आज मैं आपके साथ टेंगरा फिश को लेकर एक बहुत ही बढ़िया आइटम शेयर करने वाला हूँ, जो आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। टेंगरा फिश, ये देसी टेंगरा फिश है। हमारा मार्केट में आज देसी टेंगरा फिश ही मिला। मैं इसको अच्छी तरह से सफाई करके एक बहुत ही बढ़िया सा करी बनाया है। तो देरी किस बात की भाई, चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो इसको लिए मैंने हाफ के जी टेंगरा फिश लिया है। ये एकदम बड़ा साइज कि एकदम छोटा साइज वाला नहीं है, ये मीडियम साइज वाला है और ये देसी है। हमारा पास एक नदी है, ये नदी में ये मिला। हाफ के जी मैंने टेंगरा फिश लिया है। देखिए इसका जो दोनों साइड में कांटा जैसा था, इसे भी हटा दिया है और इसका पूंछ को भी मैंने सफाई कर लिया है और इसे अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। अभी मैंने इसमें हाफ चम्मच हल्दी का पाउडर और एक चम्मच नमक देकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए ये बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है। अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस में एक तावा बसाकर इसे हम डाल दिया है 2 चम्मच सरिस का तेल। जब भी आप मछली को फ्राई करते हैं ना, सरिस का तेल लेना बहुत ही ज़रूरी है। सरिस का तेल में एक बहुत बढ़िया से टेस्ट आती है। तेल अच्छा से गर्म होने के बाद ये मछली को हम छोड़ देंगे। ये मछली मुझे 2 बार फ्राई करना होगा। एक बार में आधा गया और आधा मैंने रख दिया, दूसरा बार फ्राई करूँगी क्योंकि पूरा का पूरा मछली इस तावा में फ्राई नहीं होगी। अभी मैंने गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखकर मछली को एक तरफ गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करूंगी। ये जब अच्छी तरह से एक तरफ गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, फिर मैंने दूसरे तरफ को अलट दूंगी। ये एक तरफ हो गया है, अभी मैंने इसको दूसरे तरफ अलट दूंगी ताकि दूसरे तरफ भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा। ध्यान देना होगा, गैस को आप मीडियम और लो फ्लेम पर रखकर मछली को फ्राई करेंगे, नहीं तो मछली जल जाने का चांस है। इस तरह से करके मैंने मछली को दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए आप मछली को इस तरह से दोनों तरफ फ्राई कर लेंगे। ये हो गया है, अभी मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और मेरे पास जितना भी मछलियाँ है इस तरह से फिर से इसे फ्राई कर लूँगी। अभी इसको लिए मैंने मसाला तैयार करूंगी। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आम अदरक। हमारा यहाँ पर आम अदरक बोलता है। ये आम अदरक से मैंने 1 इंच करीब लिया है और प्लेन अदरक से मैंने 1/2 इंच करीब लिया है और कुछ लहसुन लिया है। ये सभी को अभी मैंने कूटने के लिए खलबट्टा का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे तो ये सबको ग्राइंडिंग कर सकती है, लेकिन मसाले को कूट कर बनाने से करी में एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आती है, इसलिए मैंने इसे सब कूट देती हूँ। यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हो गया हमारा मसाला तैयार। अभी चलते हैं हम फिर से गैस के तरफ। गैस में एक कढ़ाई बसाकर इसमें डाल देंगे हम फिर से 2 चम्मच सरिस का तेल। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद 2 तेज़पत्तियाँ, 2 ड्राई चिल्ली, 1 चम्मच दाना जीरा और 1/2 चम्मच फूटन। ये सब जब अच्छी तरह से चटक जाएगा, हमने जो कूट कर रखा था हमारा मसाला को इसमें छोड़ देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान देना होगा, जब भी आप मसाला तैयार करते हैं ना, गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखना चाहिए। इस मसाला में मैंने अभी 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर दिया है और इसके साथ साथ मैंने 1 टमाटो को इस तरह से कट कर लिया था, इसे भी इसके साथ मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच केसरी मेथी लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। ये सभी को भी अभी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इस तरह से गैस में लो मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक इसे हम भुनेंगे।
ये देखिए, ये है मस्टर्ड सॉस यानी कि कासुंदी। यदि आपका पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो आप सॉरीज को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेंगे तो आप ले सकती है। लेकिन मेरा पास तो मस्टर्ड सॉस है, मैंने ये मस्टर्ड सॉस से 2 चम्मच सॉस लिया है। ये लेने से हमारा करी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये सभी को अभी मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी को गर्म कर लिया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मसाला में जब भी आप पानी यूज करते हैं ना, गर्म पानी यूज करिए। गर्म पानी यूज करने से क्या होगा ना, हमारा मसाला में बहुत बढ़िया सा कलर आएगा। इसलिए मैंने 1 कप पानी को पहले गर्म कर लिया था। पानी डालने के बाद गैस को हाई करके फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। देखिए, मसाला एकदम तैयार हो गया है। मसाला में कलर बहुत बढ़िया आया ना, कलर देखिए तो कितना प्यारा आया है। अभी मैंने ये मसाला में जितने भी मछली को फ्राई करके रखा था डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 आलू को इस तरह से कट करके बॉईल कर लिया था, इसे भी इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मेरा घर में जब भी मछली का सूप होता है ना, सब एक एक पीस आलू ढूंढते हैं, इसीलिए मैंने 1 आलू को बॉईल करके रखा था। यदि आपको आलू खाना पसंद नहीं है तो आप आलू को स्किप कर सकती है। अभी मैंने यहाँ पर 2 छोटा-छोटा ड्राई मैंगो पीस लिया है। यदि आपको ड्राई मैंगो पीस खाना पसंद नहीं है कि आपका पास नहीं है, तो आप यहाँ पर 1/2 लींबू का जूस ले सकती है। ये पकाने से हमारा करी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये हो गया है। यदि आप इस तरह से खाना पसंद करती है तो ये हो गया है। लेकिन यहाँ पर मुझे सूप रखना है, तो मैंने फिर से 1 ग्लास पानी को गर्म कर लिया था। ये गर्म पानी को इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हाई फ्लेम पर फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अभी मैंने यहाँ पर 4 ग्रीन चिली लिया है। इसका अंदर मैंने देखिए इस तरह से एक छेद कर लिया है। ग्रीन चिली पकाने से हमारा करी में एक बहुत बढ़िया सा स्मेल आएगा और टेस्ट भी आएगा। किस आदमी को टांगरा मच्छ खाना पसंद है, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, ये हो गया है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया और लास्ट में मैंने कुछ धनिया का पत्तियाँ पका दिया। देखिए तो हमारा करी का ग्लैमर कितना बढ़िया है। ये दिखने में जितना सुंदर है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। सच में भाई, आप एक बार इस तरह से ट्राई करिए ना, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। आप मछलियाँ को इस तरह से बनाकर मेहमानों को दीजिए, ये भी चिकन खाना भूल जाएगा और आपका तारीफ करेगा। सच में भाई, छोटे से बड़े तो कोई भी इसे खाने में इनकार नहीं करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप जब भी टेंगरा मछलियाँ बनाती है ना, इस तरह से बनाइए तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा देना ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।